बहुत समय पहले परीलोक में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। परीलोक एक अद्भुत स्थान था जहाँ चारों ओर हरी भरी वादियाँ, चमकते झरने और रंग बिरंगे फूलों का साम्राज्य था। यहाँ की हर चीज में जादू था। परीलोक की एक खास बात ये थी कि यहाँ की परियाँ अपनी सुंदरता, मासूमियत और दयालुता के लिए जानी जाती थी। परीलोक की सबसे प्रमुख परी चांदनी सबकी चहेती थी। वो एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान परी थी। उसकी आँखों में प्रेम की चमक और उसकी मुस्कान में सुकून का भाव था। चांदनी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि परीलोक की सबसे प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसके कोमल चेहरे पर हर समय मुस्कान खिली रहती थी जो सभी का दिल जीत लेती थी। चांदनी ने अपनी बेटी से बहुत प्यार किया। वो उसे अपनी आँखों से ओझल भी नहीं होने देती थी। लेकिन फिर एक दिन परीलोक में अंधकार की छाया मंडराने लगी। ये छाया एक शैतानी ताकत थी जिसे काली छाया कहा जाता था। वो ताकत परीलोक के मासूम बच्चों की शक्ति को छीनने के लिए आई थी। परीलोक के लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि इस शैतानी छाया से उनकी प्यारी रश्मि भी सुरक्षित नहीं रहेगी। चांदनी अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने पूरे परीलोक में रश्मि को सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढा, परंतु उसे कोई भी तरीका नहीं सूझा। चांदनी ने बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी को पृथ्वी पर भेज देगी। ये निर्णय करना उसके लिए बहुत कठिन था, पर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। चांदनी ने रश्मि को सुरक्षित रखने के लिए एक इंसान के पास छोड़ने का निर्णय लिया। पृथ्वी पर चांदनी ने एक गांव में एक महिला को ढूंढ निकाला जिसका नाम मीरा था। मीरा एक गरीब सिलाई करने वाली महिला थी जो अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में ममता का भंडार था। चांदनी ने मीरा से कहा, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, कृपया करके इसकी देखभाल करना और इसे अपनी बेटी की तरह पालना। मीरा के मन में तुरंत प्यार उमड़ आया। उसने रश्मि को अपने गले से लगा लिया और कहा, आप निश्चिंत रहे रानी परी, मैं इसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करूंगी। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर इसे हर खुशी देने का वादा करती हूँ। चांदनी ने रश्मि को मीरा के पास छोड़ दिया और उसे एक वचन देकर गई कि एक दिन वो वापस जरूर आएगी। उस दिन चांदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने ये बलिदान दिया। इस तरह समय बीतता गया और रश्मि मीरा के साथ बड़ी होने लगी। उसने अपनी माँ से सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखा। मीरा ने उसे कपड़े सिलना सिखाया और वो अपने छोटे छोटे हाथों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाने लगी। रश्मि का जीवन सादगी भरा था, पर वो हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग अक्सर मीरा से कहते कि रश्मि तो परी जैसी लगती है। उसकी मासूमियत और चमकती आँखों में एक अलग ही बात थी। रश्मि की अद्भुत कला से सिले हुए कपड़े गांव भर में प्रसिद्ध हो गए थे। गांव की महिलाएं और बच्चियां रश्मि द्वारा बनाए हुए गाउन पहनना पसंद करती थीं। एक दिन रश्मि ने मीरा से कहा, माँ, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह सुंदर कपड़े सिल सकूंगी? बेटा, तुम तो मुझसे भी अच्छी बनोगी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जैसे जैसे रश्मि बड़ी होती गई, वो सपनों में एक सुंदर स्थान देखने लगी। वो सपने में हरी भरी वादियों, चमकते झरनों और उड़ती परियों को देखती थी। उसे ये सपने बहुत वास्तविक लगते थे, मानो वो पहले कभी वहाँ रही हो। उसने कई बार मीरा से इन सपनों के बारे में बात की, पर मीरा मुस्कुराकर टाल देती थी।
रश्मि को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो पृथ्वी पर अलग महसूस करती है, जैसे उसका यहाँ असली घर नहीं है। पर वो इस भाव को समझ नहीं पाती थी। एक दिन उसने मीरा से कहा, माँ मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जगह मुझे पुकार रही हो। बेटी तुम जहाँ भी हो वही तुम्हारा घर है। मुझे तो ईश्वर ने तुम्हें देकर मेरी दुनिया पूरी कर दी है। जब रश्मि 18 साल की हो गई, तो एक रात अचानक उसके कमरे में एक उजली रोशनी फैल गई। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक परी उसके सामने खड़ी है। वो परी कोई और नहीं बल्कि उसकी असली माँ चांदनी थी। चांदनी ने रश्मि को धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई कि वो असल में परीलोक की राजकुमारी है और चांदनी उसकी असली माँ है। ये सुनकर रश्मि हैरान रह गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक ओर उसे अपनी असली माँ के मिलने की खुशी थी और दूसरी ओर मीरा से बिछड़ने का दुख। फिर चांदनी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी तुम्हें अब परीलोक वापस चलना होगा। तुम वहाँ की राजकुमारी हो और तुम्हें परियों के साम्राज्य की देखभाल करनी है। रश्मि के लिए मीरा से विदा लेना सबसे कठिन था। वो मीरा के पास आई और उसके गले लगकर रो पड़ी। उसने कहा, माँ आपने मुझे पाला, मुझे जिंदगी दी, मुझे आपके बिना जीना नहीं आता। तुम हमेशा मेरे लिए मेरी बेटी ही रहोगी, चाहे तू जहाँ भी रहे। रश्मि ने मीरा को एक गाउन तोहफे में दिया, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। वो गाउन साधारण नहीं था, उसमें रश्मि का प्यार और मीरा के प्रति उसका सम्मान समाया हुआ था। रश्मि ने मीरा से वादा किया कि जब भी संभव होगा वो उससे मिलने आएगी। उसके बाद रश्मि अपनी असली माँ चांदनी के साथ परीलोक वापस चली गई। वहाँ की दुनिया उसके सपनों जैसी थी। उसने देखा कि परियाँ चारों ओर उड़ रही थी, पेड़ पौधे चमक रहे थे और एक जादुई शांति फैली हुई थी। परीलोक में रश्मि ने अपनी कला को और निखारा। उसने जादुई गाउन बनाने शुरू किए जो चांदनी की किरणों से दमकते थे। इन गाउन को पहनने पर परियां और भी सुंदर लगती थी। धीरे धीरे रश्मि ने परीलोक की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। कई सालों बाद रश्मि एक परिपूर्ण रानी परी बन चुकी थी। उसने परीलोक में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी पृथ्वी पर था। वो अपनी माँ मीरा को याद करती थी और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए धरती पर एक बार फिर से वापस आने का निर्णय लिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो मीरा के पास पहुंची और उसे एक बार फिर से गले से लगा लिया। मीरा उसे देखकर बेहद खुश थी और उसने अपनी बेटी को फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। इस तरह रश्मि का जब भी मन होता तो वो अपनी माँ मीरा से मिलने आ जाया करती थी और वहाँ परीलोक में अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती थी। और इस तरह रश्मि हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक परी परीलोक में रहा करती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर घूमने जाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर अपने परीलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। पृथ्वी पर आकर सिंड्रेला परी समंदर के किनारे बैठकर आराम करती थी। विशाल समंदर की आती जाती लहरों को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सिंड्रेला परी की दोस्ती यश नाम के एक जल पुरुष से हो जाती है। दोनों रोजाना एक दूसरे से बातें किया करते थे। इसके बाद सिंड्रेला परी रोजाना पृथ्वी पर आती।
फिर यश और सिंड्रेला दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी यश बोला, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब होता है, प्लीज मुझे बताओ। मेरा बर्थडे 14 फरवरी को होता है, क्या तुम मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? अभी तो हमें बातें करते हुए केवल एक ही घंटा हुआ है। दरअसल मैं 24 घंटे में केवल एक ही घंटा पानी से बाहर रह सकता हूँ। अगर मैं एक घंटे से ज्यादा बाहर रुकूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर हम शादी के बाद साथ कैसे रहेंगे? मैं तो पानी में नहीं रह सकती हूँ ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने सुना है काले जादू से ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। फिर क्या था, उसके बाद यश समंदर में कूद जाता है, लेकिन श्रेया नाम की एक जल परी ये सब कुछ देख लेती है और वो तुरंत ही जल परी जाति के मंत्री के पास पहुंच जाती है और यश की शिकायत कर देती है। मंत्री चाचा, आपको पता है यश एक परी से प्यार करता है, और तो और वो उससे शादी भी करने जा रहा है। उसने ऐसा करके जल परी जाति के नियमों को तोड़ा है। अगर वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। चलो यश के पास चलते हैं। उधर धरती के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं, लेकिन कंचन को वैलेंटाइन डे पसंद नहीं था, इसीलिए वो वैलेंटाइन डे वाले दिन भीड़भाड़ से दूर समंदर के किनारे आकर बैठ गई थी। जब कंचन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि समंदर के किनारे रेत पर एक जल पुरुष बेहोश पड़ा था। फिर कंचन उसे खींचकर समंदर में ले जाती है। वो जल पुरुष और कोई नहीं था बल्कि यश ही था। होश में आने के बाद यश समझ जाता है कि इसी लड़की ने मेरी जान बचाई है। फिर वो उससे बोला, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक परी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए जल परी जाति के लोगों ने मुझे जात से निष्कासित कर दिया और मुझे मरने के लिए उन्होंने समंदर से बाहर फेंक दिया। ऐसा तो होता ही है, जमाना हमेशा से प्यार का दुश्मन रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं एक घंटे से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकता और मेरा यहाँ समंदर में रहना भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने मुझे फिर से समंदर में देख लिया तो वो फिर से मुझे समंदर के बाहर फेंक देंगे। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो और फिर अपने बाथटब में मुझे डाल देना? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर वाले तुम्हें घर में रखने से मना कर देंगे और मेरा बाथटब भी बहुत छोटा है। प्लीज मेरी मदद कर दो, तुम बड़ा वाला बाथटब खरीद लेना और उसे अपने रूम में रखकर पानी भर देना। प्लीज मेरी मदद कर दो और हमारे प्यार को बचा लो। फिर क्या था, कंचन मान जाती है। फिर कंचन यश को एक ट्रॉली में लेटाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद वो बाजार से एक बड़ा बाथटब खरीद लाती है और उसमें पानी भरकर यश को अपने रूम में रख लेती है। यश, तुम प्लीज थोड़ा धीरे से बात करना, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अब आगे क्या करना होगा, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारे पड़ोस के गांव में एक जादूगर रहता है, वो काला जादू बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो समावित के मंत्रों का उच्चारण करके मेरी और सिंड्रेला परी की शादी कर दे तो मैं एक इंसान बन जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, सिंड्रेला परी है कहाँ और वो कहाँ रहती है, प्लीज मुझे बताओ। सिंड्रेला परी के अभी जादुई एग्जाम्स चल रहे हैं, वो 7 दिन बाद ही आएगी।
अच्छा ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन 5 ही दिन बीत पाते हैं और 6ठे दिन कंचन के पिता कंचन के रूप में एक जल पुरुष को देख लेते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बेटा, ये तुम किसे उठा लाई हो? इसे घर से फौरन बाहर निकालो, पूरे घर में मछली की बदबू आ रही है। पापा प्लीज इसे 2 दिन यहाँ पर रहने दीजिए, वरना ये मर जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ये मरे या जिए, इसे घर से बाहर निकालो अभी के अभी। मजबूरी में कंचन को यश को अपने घर से बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन 1 घंटे के बाद ही यश बेहोश होने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ पर कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। यश की सांसें रुकने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिंड्रेला परी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से एक बार टब में पानी भर देती है और यश को उसमें डाल देती है। तब यश को होश आ जाता है। अरे मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम आ गई, और तुम्हारी जादुई शक्तियों के एग्जाम का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जादुई शक्तियों वाले एग्जाम को छोड़ दिया। अब चिंता की कोई भी बात नहीं है, भला तुम्हें खोकर मैं शक्तियों का क्या करती। फिर कंचन, सिंड्रेला परी और यश तीनों जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। जादूगर यश और सिंड्रेला परी की शादी कर देता है। शादी होते ही यश एक इंसान के रूप में बदल जाता है। कंचन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मेरे यश की जान बच पाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक वरदान देती हूँ। अब जब भी तुम हंसोगी, तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकलेगा। जादुई वरदान पाकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला परी और यश परी लोक में जाकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपने सिंड्रेला परी की तो कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की सिंड्रेला परी की कहानी कुछ अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये अनोखी कहानी देखते हैं। खाना तो बहुत ही लजीज है, मजा ही आ गया। अरे सिंड्रेला, इतना सारा खाना तुम अकेले ही खा रही हो? ये तो बहुत ही कम है रानी जी, इसके बाद तो मैं पाव भाजी और समोसे भी खाने वाली हूँ। सिंड्रेला, इतना खाओगी तो फट जाओगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, खाना खाकर ही तो मैं हूँ। पर दिन भर ही खाते रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम खाया करो। वो तो मुझसे होगा ही नहीं। रानी परी बिल्कुल ठीक ही कह रही है सिंड्रेला, इतना खाओगी तो बड़ा पछताओगी। चल चल, तुम मुझे मत सिखा। पागल हो गई है तू, जब खाने से तुझे दिक्कत होगी तभी तुझे पता चलेगा। रानी परी और ट्विंकल परी ने सिंड्रेला परी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे बस अपना खाना ही दिखाई देता था, बस वो दिन भर अलग अलग खाने की फरमाइश किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी बच्चे और परियां गार्डन में खेल रही थी और यहाँ सिंड्रेला एक जगह पर बैठकर सबको खाते हुए देख रही थी। वाह, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम सभी, सभी अच्छे से खेलो अच्छे से। तभी ट्विंकल परी उसके पास आती है और बोलती है, चल सिंड्रेला तू भी खेल हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस खाना ही जानती हूँ, ये खेलना वेलना मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा तो खेल ले, अगर मन ना लगे तो वापस आकर बैठ जाना। अरे नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा, तू जाकर खेल। अरे चली जाओ सिंड्रेला, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप कहती है तो चली जाती हूँ। फिर रानी परी के कहने पर सिंड्रेला खेलने चली गई। कुछ ही मिनटों में सिंड्रेला की हालत खराब होने लगी। अब मुझसे और खेला नहीं जा रहा,
मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। तुम लोग खेलो, मैं तो जा रही हूँ पिज्जा खाने के लिए। अरे सिंड्रेला, तुझे तो अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं खेलते हुए और तू अभी से थक गई? हाँ, अरे मैं बहुत दिनों से खेल नहीं रही हूँ ना, इसीलिए हो गया होगा। फिर भी सिंड्रेला, हम लोग भी पूरे 1 महीने के बाद खेल रहे हैं, लेकिन देख हम में से कोई भी नहीं थका। चल चल, मुझे मत सिखा, मैं तो चली लार्ज साइज पिज्जा खाने। बाय बाय। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। सिंड्रेला परी के जाने के बाद तभी वहाँ पर रानी परी आ गई। सिंड्रेला की हालत बिगड़ती ही जा रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ रानी परी, वो आजकल बहुत ज्यादा खा रही है, इतना कि उसे पता भी नहीं चल पा रहा कि वो और भी मोटी होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही समय बाद चल फिर भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ट्विंकल परी, तुम राजमहल में आ जाओ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली गई और इधर ट्विंकल परी राजमहल में आकर रानी परी का इंतजार करने लगी। तभी रानी परी वहाँ पर आ गई। क्या हुआ रानी परी, क्या बात करनी है? मुझसे सिंड्रेला की हालत अब देखी नहीं जा रही है, कुछ आइडिया सोचो जरा। एक काम करते हैं, परीलोक का वाईफाई कनेक्शन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिंड्रेला बाहर से ये फास्ट फूड ऑर्डर नहीं कर पाएगी और अपने रसोई घर में बनने वाला खाना भी कम करवा देते हैं, जिससे वो कम खाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम आज से ही ऐसा करेंगे। और साथ ही अब रसोई में सिर्फ सैलेड और हरी सब्जियां ही बनेंगी। सुनो परियो, अभी परिलोक के वाईफाई कनेक्शन को काट दो। जी रानी परी जी। उसके बाद वो परी जाकर परिलोक के वाईफाई कनेक्शन को काट देती है। अरे यार, भूख बहुत लग रही है, क्यों ना कुछ खाने के लिए मंगवाया जाए। आज तो नूडल्स ऑर्डर करूंगी। फिर जब वो ऑर्डर करने जाती है तब नेट ही नहीं चलता, जिससे वो उदास हो जाती है और बोलती है, अरे ये नेट क्यों नहीं चल रहा, लगता है कोई खराबी आ गई है। ओफो, कोई बात नहीं, रसोई में जाकर देखती हूँ खाने के लिए क्या बना है। इसके बाद सिंड्रेला परी रसोई घर में जाने लगी और रसोई घर में आकर बावर्ची परी से बोली, आज खाने में क्या बना है? आज सैलेड बना है, सबने कहा आज सबको सैलेड खाना है। छी, सलाद कौन खाता है? खाना है तो यही खाना है और नहीं खाना तो भी यही खाना है। तुम चुप करो, मैं ये सब नहीं खाने वाली। इतना बोलकर सिंड्रेला परी गुस्से में वहाँ से चली गई और अपने कमरे में आ गई। फिर वो बैठकर सोचने लगी, ओहो क्या करूं क्या करूं, मैं भूखी भी तो नहीं रह सकती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, अरे हाँ, बगल वाले घर से वाईफाई का पासवर्ड ले लेती हूँ। ये सोचकर सिंड्रेला परी अपने बगल के घर में जाने लगती है और वहाँ पर रहने वाली परी से बोलती है, अरे बहन जरा मुझे अपनी वाईफाई का पासवर्ड दे दो, वो क्या है ना, हमारे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद वो परी सिंड्रेला परी को पासवर्ड बताने लगी और सिंड्रेला परी ने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल दिया। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद सिंड्रेला परी के कमरे में रानी परी और ट्विंकल परी आ जाती हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती हैं। अरे सिंड्रेला, ये तुमने कहाँ से मंगवाया? अरे वो अपना नेट चल नहीं रहा था ना, तो मैंने बगल वाले घर से पासवर्ड मांगकर ये सब ऑर्डर कर लिया। बस अब बहुत हो गया सिंड्रेला, हम तुम्हारी कब से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि बात ही नहीं समझना चाहती। अरे क्या हो गया रानी परी, तुम खा खा कर मोटी भैंसी होती जा रही हो,
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या मतलब कि तुम मोटी हो गई हो? थोड़ा ध्यान रखो वरना आगे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं जैसी भी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। यहाँ रानी परी सिंड्रेला परी को समझा रही थी और वहाँ पूरे राजमहल में आग लग गई थी, जिस वजह से सभी परियां यहाँ वहाँ भागने लगी और सब जल्दी जल्दी महल से बाहर निकलने लगे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? चलो जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। चलो सिंड्रेला तुम भी निकलो, हमारे पीछे आओ जल्दी। उसके बाद रानी परी और ट्विंकल परी जल्दी जल्दी जाने लगी और सिंड्रेला परी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से महल से बाहर निकल गए, लेकिन वही सिंड्रेला परी चलते चलते थक गई और वहीं पर खड़ी हो गई। अरे अरे मुझे भी ले चलो, मुझसे भागा नहीं जा रहा है। सभी राजमहल से बाहर चले गए, लेकिन सिंड्रेला परी अंदर ही फंसी रही, उससे भागा भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो थक हार कर वहीं पर बैठ गई। जिसके बाद रानी परी ने क्रेन को बुलाकर सिंड्रेला परी को वहाँ से बाहर निकलवाया और इस तरह वो महल से बाहर आई और बाहर आने के बाद उसने एक लंबी सी सांस ली। थैंक यू रानी परी, आज आप नहीं होती तो मैं तो आज बच ही नहीं पाती, मेरा तो आज तंदूरी ही बन जाता। देखा तुमने, तुमने खा खा कर अपना कितना बुरा हाल कर लिया है। तुम आज अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो, तुम इतनी भारी हो गई हो कि तुम अब उड़ भी नहीं पा रही हो। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने शरीर का कितना बुरा हाल किया हुआ है। मैं आज से ही अपने खाने पर रोक लगाऊंगी और मैं कल से जिम भी जाऊंगी, जिससे मैं अपना वजन कम कर पाऊंगी। बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। सिंड्रेला परी ने अगले दिन से ही जिम ज्वाइन कर लिया, साथ ही अपने खाने पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पूरे एक साल तक मेहनत करने के बाद सिंड्रेला परी ने अपना वजन कम कर लिया और अब वो बहुत ज्यादा सुंदर भी हो गई थी, जिससे परीलोक की सभी परियां बहुत खुश हुई और सिंड्रेला परी को उसकी मेहनत के लिए शाबाशी दी। उस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कभी भी मेरी तरह ज्यादा फास्ट फूड मत खाना, नहीं तो आप भी मेरी तरह मोटे हो जाओगे। बहुत सालों पहले प्रशांतपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन उस गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक आसमान से एक परी उस गांव में आ गिरती है। उस परी का शरीर बहुत ही विशाल था। इतनी बड़ी परी को देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर अगले ही पल वो परी अपने मुंह से जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। उसकी उल्टियां आसपास मौजूद घरों के ऊपर गिरकर उन्हें तोड़ने लगती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, इतना कहकर परी रोने लगती है। तभी गांव की कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आती हैं। अरे लगता है ये परी बहुत ज्यादा बीमार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, जाओ जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुला लाओ। फिर उनमें से एक लड़की गांव के डॉक्टर को बुलाकर वहां पर ले आती है, लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी परी को देखकर वो डॉक्टर बहुत डर जाता है। डॉक्टर ये देखो, ये बेचारी परी बहुत ज्यादा बीमार है और इसे उल्टियाँ भी हो रही हैं। प्लीज आप इसका इलाज कीजिए। अरे मैं तो सिर्फ इंसानों का इलाज कर सकता हूँ, इसका इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे माफ करो। जी डॉक्टर, हमें पता है कि ये परी बहुत ज्यादा विशाल है, लेकिन आप प्लीज एक बार कोशिश करके तो देखिए। लेकिन वो डॉक्टर उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से ही चला जाता है।
ये क्या, अब हम क्या करें? डॉक्टर ने तो परी का इलाज करने से ही मना कर दिया। मुझे लगता है इस परी का इलाज कोई जादूगर ही कर सकता है। हमें फौरन ही पास के गांव वाले जादूगर को बुलाना होगा। फिर वो सभी लड़कियां पड़ोस के गांव में रहने वाले जादूगर के यहां जाकर उसे परी के बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगर बहुत ही नेक दिल था, इसीलिए वो परी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जादूगर परी के पास आकर उसकी जांच करने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा बीमार है, इस परी को बहुत सारी दवाइयाँ पिलानी पड़ेंगी। दवाइयों को खरीदने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए जादूगर जी, हम सभी पैसे इकट्ठे करके दवाइयाँ खरीद लेंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें कागज पर जादुई दवाइयों के नाम लिखकर दे रहा हूँ। तुम जंगल की गुफा में रहने वाली चंद्रमुखी जादूगरनी से ये सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आओ। फिर सभी लड़कियाँ पैसे इकट्ठे करके चंद्रमुखी जादूगर से दवाइयाँ खरीद कर ले आती है, जिसके बाद जादूगर वो सारी दवाइयाँ परी को पिलाना शुरू कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि दो दिन के बाद ये परी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी इसे आराम करने की जरूरत है। उसके बाद सभी लड़कियां उस जादूगर का धन्यवाद करती हैं, जिसके बाद जादूगर अपने घर लौट जाता है। लेकिन उसी रात दो भयानक चुड़ैल उस गांव में घुस जाती है और उस परी को वहां पर सोता हुआ देख लेती है। परी को जिंदा देखकर वो आपस में बातें करने लगती है। हमें लगा था कि ये विशाल परी मर चुकी है, लेकिन ये गांव वाले तो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय सभी गांव वाले सो रहे हैं, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चलो इस परी को जान से मार देते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैलें परी को मारने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन जब वो उसके पास बढ़ती है कि तभी वहाँ पर भागते हुए गांव की लड़कियाँ आ जाती हैं। लगता है ये दोनों चुड़ैलें परी को मारना चाहती हैं। चलो इन चुड़ैलों पर हमला कर दो। फिर वो सभी लड़कियाँ पत्थर उठाकर चुड़ैलों को मारने लगती है और दोनों चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर कूदने लगती है। तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर परी नींद से जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम दोनों मुझे मारने यहाँ तक आ पहुँची। फिर वहाँ पर गांव की लड़कियाँ भी आ जाती हैं। आखिर ये दोनों चुड़ैले तुम्हें क्यों मारना चाहती है परी? ये दोनों मुझे मारकर मेरे विशाल परी देश पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि मैं परी देश की राजकुमारी सिंड्रेला परी हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, अब ये दोनों चुड़ैलें यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। फिर वो सभी लड़कियाँ दोनों चुड़ैलों को घेर कर उन्हें रस्सियों से बांध देती है। अरे हमें छोड़ दो, हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। छोड़ो, हमें छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों चुड़ैले अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़कियाँ उन दोनों को गांव में जल रही कोयले की भट्टी के अंदर डाल देती है और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैले उस भट्टी में जलकर पूरी तरह राख हो जाती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियाँ परी के पास आ जाती है। तुम सभी ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देखो, मेरी जादुई छड़ी जंगल में कहीं पर खो गई है। बिना जादुई छड़ी के मैं अपने परी देश नहीं जा पाऊंगी। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला परी, हम सभी लड़कियाँ जंगल में जाकर तुम्हारी जादुई छड़ी खोज लेंगे। फिर वो सभी लड़कियाँ जंगल में जाकर परी की जादुई छड़ी ढूंढना शुरू कर देती है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक विशाल जादुई छड़ी झाड़ियों के बीच पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ उस जादुई छड़ी को अपने कंधे पर उठाकर गांव में ले जाती है। अपनी जादुई छड़ी मिलते ही परी खुशी से उछल पड़ती है। सिंड्रेला परी जादुई छड़ी की शक्ति से गांव के सभी पुराने घरों को बड़े मकानों में बदल देती है। साथ ही वो गांव वालों को ढेर सारे नए कपड़े
और खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी देती है। फिर परी गांव के बीचों बीच एक जादुई कुआं भी प्रकट कर देती है। ये जादुई कुआं तुम सभी गांव वालों को रोजाना 10-10 सोने के सिक्के देगा, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तुम सभी हंसी खुशी से अपना जीवन जी सकोगे। परी की उदारता से सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद परी हवा में उड़ती हुई वापस अपने परी लोक लौट जाती है और उस दिन के बाद से गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।